वेलकम गाइस बैक टू द स्ट्रीम। सो वी वर सॉल्विंग द केस ब्लड बाथ। देखते हैं ब्लड बाथ में और अपने को क्या क्या लीड्स मिलता है। तो रॉडनी रॉडनी कुछ तो क्लिफ बेंट क्लिफ आई गेस उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद अपन और एक्सपेंशन देख रहे क्या क्या किया है उसने। रक्लूज वो मरने के पहले कुछ लिख के जाता है कि ये जगह पे कुछ तो है करके। माई कुछ तो बड़ा डिस्कवरी कर देता है और वो पेजेस भी टर्न हो गए। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ जगह है करके। ये सब उसका क्या बोलता है डॉक्यूमेंट। ओरिजिनली कर सेक्रीफिशन द पर्सन मतलब ये भी है क्या? शमशीर से ही उसका आग फोड़ा है क्या? क्या मालूम ग्रिल द गोल्डन नाइफ कैरी से करे दैट विल फिल ब्लड ऑफ द अनवर्थी हु डेयर टू टच इट। ओके और कुछ भी नहीं है क्या यहाँ पर? This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. और एक फाइंडिंग मिल गया। ओके और क्या है इसमें देखने लायक? कुछ नहीं, सब जगह का मिस्ट्री। वन नाइट मॉन्स्टर, वन नाइट बंदा, साइक्लब्स, ग्रीक ग्रीक मिथोलॉजी, साइक्लॉप्स। The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. ओके स्मिथिंग। इसमें क्या था वैसे? देखने लायक कुछ था नहीं। अच्छा इसने पूरा साइट डिस्कवर कर दिया क्या? ऐसा कुछ है नहीं मालूम। एरिया पे टू रोप्स। I don't need the ropes for now. क्या मिल रहा है भाई? Excavating tools, a bucket, shovel and brush. I don't need the ropes for now. आगे गिरा तो नीचे जाना शायद। I guess. Area 5 temple. It is a statue Minerva. Of Minerva, Neptune, the god of the sea. It is a broken statue of a bull. This railway is used to remove rubble from the site. Okay. Document mila. Bentcliff's power. Okay. Was quite a nuisance at the start. After you stepped in, he became rather more effectful. Okay.
वो बिजनेसमैन है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेगा ना, पिटकिन शायद, कैसे ये पिटकिन झोपी है, देखते हैं ना पूरा एक्सपेडिशन खत्म होने का समझेगा। डॉक्यूमेंट ठीक है, गैस्ट्रा फीड्स टू कंसिडर आर्का फेड्रियन, कुछ तो मिथोलॉजी के बारे में, ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में कुछ तो दिया है, इधर कुछ है। This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Okay. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. और क्या चाहिए भाई, ropes तो है मेरे पास, तो miss out कर रहा है क्या मैं? नहीं, उधर किधर जाना है क्या मेरे को? This is the map. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. I guess मुझे एक बनाना है। और एक एरिया अनएक्सप्लोर्ड है शायद, ये नीचे वाला एरिया। This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? पेंटिंग कर दूंगा भाई एकदम, बोलते हैं ना कचड़े निकाल दिए, मट्टी वट्टी सब निकाल दिया एकदम क्लीन। I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Frigidarium जाना ही अपने को तो मालूम है। शायद अभी वो बो और वो रोप का ये नहीं है, शायद कुछ एक्सप्लोर मारना है क्या? आई फाउंड द बो तो मतलब मेरे को रोप सभी काम पे आना चाहिए। आई डोंट नीड द रोप्स फॉर नाउ। ओके फॉर नाउ। पहले फ्रिजिडेरियम विजिट करना है आई गेस, वहां पर वापस आके यहाँ पर से कुछ लेके आना है। ये लोग ऐसे डबल काम करवाता है भाई, अगर मेरे को मालूम ही है उधर यूज करने वाला है तो। इसमें बहुत सारा चीज समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा चीज। ओह थैंक्स, लाइक पिछले बार वो इतना तो समझ गया कि मैक्सिकन ने किया, बट कैसे किया वो पूरा सिमुलेशन, एट द एंड वाला सिमुलेशन वो लोग बता रहे ही नहीं है कि कैसा वो ट्रेन गायब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक फाइनल अपने को पता चल गया कौन गिल्टी है, कौन क्या है करके। ओह माय गॉड, एम्बियंस अच्छा है जगह का। जग Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. A symbol. जग में भी कुछ सिंबल है क्या, मैं मिस आउट कर सकता हूँ, मैंने देखा नहीं होता अच्छे से।
Spider. Okay. Helmet. इधर भी एक सिंबल है. ओके. शिप. ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं है. वन आइड फेस. साइक्लॉप्स. अ हिडन सिंबल. ओके. ये नोट कर दिया. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. कुछ होना चाहिए क्या? I don't know. ओ भाई भाई भाई. ऐसे कुछ होना चाहिए ना. वो एक क्यूब बन रहा है बीच में. ओ द साइंस अप. सर रॉडनी बेंटक्लिफ, चिंता ना करो, मैं कर दूंगा आपका डिस्कवरी को कंप्लीट. रोटेट. ओ माय लॉर्ड, सीक्रेट एंट्रेंस किधर है? किधर का दरवाजा खुला? मेरे को भी नहीं समझा. ओ बाजू का. What is this place? I am unsure, Watson. Watson kidhar aa gaya bhai? Everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. Lol. We are approaching the end of this mystery. A broken glass plate. What is it doing here? Okay. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? A fingerprint here, like that. A sack of crude salt. Crude salt, okay. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder hierarchy. Or a hierarchy. Barabar. Seven grades of Mithras initiation. Cult of Mithras, okay. Hey bike. Oh. नहीं, पूरा स्कल से बना है. कास्ट्स अ शैडो अपॉन द फ्लोर. पूरा स्कल से बना हुआ पिलर है. ही शैडो. दैट इज द सिंबल ऑफ नेपच्यून, द गॉड ऑफ द सी. ओके. मेरे ख्याल से और भी प्लेसेस है जो लाइट करके फिर बाद में करना है. Thank you.
The pillar collapsed a long time ago. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. It resembles a bull. It is very similar to the face of Mithras. This shadow seems to represent a bridge. Okay. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. ये तो उधर था, वो excavation site पे था. Okay. Okay, so close, so close. It's mummy. Mummified bodies. Where? How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye, he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Mm-hmm. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. एकदम चिल बंदा यार, डर भी नहीं लग रहा इसको. Mummified bodies. Shovel. A shovel. Not from the Roman era. We cannot go any further. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. तो एक ही काम बचता है अभी, हो मित्रियम के लिए जाना पड़ेगा. ओ ओके. ओ ऐसा था क्या? ओके ओके, फिर भी कुछ क्लूज मिस हो रहा है क्या? देखना पड़ेगा एक बार के लिए. नाइस, वी थिंक वी आर गोइंग टू द ब्रिज. मालूम है ब्रिज किधर है? ओह, वो निकल गया. इंटेलिजेंस. दिस आर्कियोलॉजिकल साइट हैज बीन अबैंडन्ड. व्हाई डिड बेंटक्लिफ कम हियर? ये सब हो गया. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Oh. मेरे को ब्रिज दिख गया भाई, मेरे को अच्छे से मालूम है वही है वो ब्रिज. यहाँ पर ही है वो. This is the bridge. The gas grid. The gas. This. यही है वो ब्रिज यार, ब्रिज. हाँ. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. मुझे मालूम है क्या करना है. क्रॉसबो किधर है? यहाँ पर भी दरवाजा खुला है भाई. The door has been left open. Someone did not care. Arthurus Domum. क्या नाम है भाई? I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. पहले क्या आएगा? ये आएगा क्या? पहले मैकेनिज्म आएगा. ओके. ये क्या? I should use the appropriate object here.
Okay. आ रहा क्यों नहीं हो? किधर किधर किधर? ओह इधर आएगा ना, ये एंड पे आएगा। सीधा आ रहा ही नहीं है यार। I should use the appropriate object here. Oh my! Beech mein aayega. Okay. I need to find some ropes. जो मालूम है ropes यहाँ पर है, अच्छे से। इंटरेस्टिंग जा रहा है। इधर है मैं क्रॉसबो। ये दोनों कंबाइन तो करना ही पड़ेगा। शायद ये बीकर शीट में जाके संभल होएगा क्या? ऐसा कुछ है? शायद दो ही जगह पे जाना है मेरे को, वहां पर ही वर्क बेंच पे असेंबल होएगा लगता है। मेरी सीमेटिक वीमेटिक नहीं, कहां पर असेंबल होएगा ये? क्या नल्ला पा यार, नल्ला पाव मैकेनिज्म है यार ये। बेकर सिटी जाना पड़ेगा, वापस आता हूँ यहाँ पर। ये वो और ये रस्सी बांधने के लिए घर जाने को बोल रहा है, क्या बंदे लोग यार ये। There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. क्या बोल रहे हैं? मेरे को कुछ समझ नहीं है। और क्या है वो? दिख रहा भी नहीं भाई। क्या ही क्या? मेरे को ये करना भी नहीं है पहली बात तो। बस skip. It is a mold, and okay. It is ready for casting. बस. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. Oh, boy. He seemed unafraid of maledictions, and yet. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Plaster of Paris se bana raha hai bhai chaku. Now let us see what we have here. Itna jaldi sukh bhi gaya iska mold. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Photographic development. ये कर सकता है भाई।
और इसमें ये पुटबैक का ऑप्शन बहुत गंदा है। पहले तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा फोटो के एडजस्ट, ये दो हो गया। ये इधर आता है क्या? ये इधर आता है गैस। ओके ये किधर आता है भाई? इतना टाइम ले रहा है यार ये। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो बन गया उसको। ओके ओ ओ ओ ओ डन वॉटसन कुड यू प्लीज यूज दिस नेगेटिव एंड योर फोटो। थैंक यू वॉटसन, नाउ आई मस्ट यूज रिएजेंट्स टू डेवलप द फोटोग्राफ। ओके आइसक्रीम इन द डेजर्ट एंड इंडेप्टेड टू रोमन शू डेवलप द टेक्निक। ओ इसके लिए वो आइस बकेट लेके गया था वो। ये कौन है भाई? यही रॉड, ये नहीं है रॉड निकलिफ, ये कोई पुराना फोटो है। Sir Rodney. अच्छा ये another archaeologist most probably. Okay. Ice cream. Salt. Ice. The pyramids of Giza in Egypt. और क्या है? और कुछ नहीं है। और कुछ सब मिस आउट हो रहा है शायद। Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. My analogy. Someone was experimenting with the method of ice production. बोल सकते हैं। Yeah, next plane clue है, okay. और भी तो clues थे भाई। ओके यहाँ पर ही देखूंगा ना एक्सपेरिमेंट करके। इफ आई विश टू शेप द आइस नाइफ देन आई नीड टू पोर वाटर इनसाइड द मोल्ड। डालना भाई ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius before beginning. I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. I think that ice should be added first. A block of ice. I have only to use my ice pick. अबे अभी ये तो भाई गोला वाला जैसा करने बोल रहा है।
Holmes, look. The temperature is reduced. Below 20 degrees Celsius पे डालना है ना मेरे को. और ice, salt, and then the mix. Below 20 degree ja raha hi nahi hai bhai. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Mm-hmm. Okay, it's been empty. Mujhe usse galti kya lagta hai? An ice knife. A surprising and yet a very brilliant ice knife banta hai matlab, okay. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Uske blood mein diluted kyun tha? Silver knife bana ke. Let us try to create an object from silver by using the mold. Let us put the silver. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. A homemade. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Okay, ab ye ice knife tha ki यही है, पक्का यही है, क्योंकि उसका ब्लड भी वाटरी वाटरी था ना, डाइल्यूटेड था, वो मैंने एक पढ़ा था. On the sofa for the दो नाइफ भी हो सकता. The murderer hit the weapon with a clouded steam room. He then placed the knife in the brazier in order to destroy it. Nahi, but wo body ke blood leak ekdam zyada water presence hone ka ye nahi batata hai. Ink ice knife hi hai bhai. 100% ice knife hi hai. Okay. Aur kya bacha hai case mein? वॉटसन करूं मैं तो. वर्क बेंच कुछ नहीं है क्या इधर? माई आर्काइव, आई कैन ऑलवेज कंसल्ट विद इट इफ नीडेड. व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट होम्स? ओके, nice hidden the mithraeum. Okay, the bridge pier seemed to but the jaane ko bhai wapas jaake dekhna padega kaisa hai.
इधर पहुंच तो गया मैं। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है शायद। मुझे क्या बोलता है, क्रॉसबो बनाना तो है बट कहाँ से बनाऊँ? यहाँ से ही बनाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। क्रॉसबो बन गया क्या? क्या मालूम। और किस बात का आइटम रिक्वायर्ड भाई? एक मिनट, क्या है वो? एक बार वापस बोलेगा ना। We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. Okay. ओ, मुझे इसके हैंड पे एक हुक चाहिए बराबर। बराबर मुझे हुक चाहिए। इधर ही साइड पे किधर मिले क्या हुक? ये तो अच्छी बात है। वो एंड में ऐसा ग्रैपलिंग हुक जैसा चाहिए कुछ, वो तो पक्का है। ग्रैपलिंग हुक आई गेस जो रूप से अपन वहाँ पर बकेट उठाते हैं वहाँ पर ही रहना चाहिए। नहीं, कुछ तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। ओके, बन गया ना ग्रैपलिंग हुक। Those rings on the bridge, a perfect target. This one is ready. Okay. This one is ready. Okay. अभी ये पूरा ये जिस पे खड़ा है वो प्लैंक के साथ जाएगा क्या वहाँ पर? थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये वॉटसन तो सिर्फ भूल बचत का ही काम है। The bridge is ready. Now I must cross it. ए ए ए भाई, ये क्या मैकेनिक्स है इसका? Okay. क्या ही है ये शिफ्ट? बैलेंस बैलेंस, ओके बैलेंस, नहीं 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 नहीं, बैलेंस 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 बैलेंस, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं यार यार।
जब मैं स्ट्रेट आ जाऊंगा तभी एक स्टेप ना. ओके ओके मुझे स्लोली बैलेंस करके एक स्टेप लेना. ये क्या घटिया आवाज निकाल रहा है भाई. हाँ वो करके बस और एक स्टेप. ओके ओके और एक स्टेप. ओके आ आ आ आ आ नहीं 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 अरे यार. ओके आधे में सेव. मेरे तो आग बंद करके कर लेता ही. कम ऑन क्या. हाँ नहीं यार बक. एक लास्ट ट्राई एक लास्ट ट्राई. नहीं 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 एक लंबी सांस लेकर इस बार तो पक्का. ओके मुझे समझ गया क्या करना है. नहीं यार ओके क्या फालतू गिरी है. ओके ओके टिल्टेड राइट पे सीधा जा. ए यार दिमाग का दही कर रहा है भाई. उसका आवाज वो ऐसा नहीं रहता तो. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. ये वॉचर मर गया. नहीं प्लैंक तोड़ के वॉचर मर जाता तो लगता है. I saw. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. Okay, barabar. Spider bhi dekha tha. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. Arey jaye jaake dekhna padega aur kya. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the frigidarium. एक सिंबल मिसिंग है. कुछ ट्रैप वैप रह सकता है भाई. मालूम नहीं क्या सीन है. घूम फिर के इधर ही आएगा. मैं एंट्री पे आया. What does this entry have in store for us? ये है यहाँ पर ही आएगा. वापस यहाँ पर ही आया शायद. ये नहीं ये अलग है. स्पाइडर है अभी इसमें. इधर रास्ता भटक ना जाओ भाई. निकलने को फिर एक घंटा हो जाएगा. Dead end. We don't have many leads here. तो अभी समझ में आ रहा है ये.
ये नीचे गया था वो रस्ते नहीं ये नहीं यहाँ पर आया था शायद यही से आया था ये एक्सप्लोर नहीं किया था शायद ये डेड एंड एक मिनट मैं कहाँ से आया और कहाँ पर आ गया कुछ समझ आ नहीं है मुझे There has to be some clue बोला भाई मेरे को दूर दूर तक कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है ये कौन सा रास्ता है जहाँ से आया ये रास्ता है ठीक है इसको रेफरेंस पॉइंट बना लेने का है विच इज दिस ये स्माइली ये रेलवे ट्रैक स्माइली ओके ये डिटेंड है ये देखा नहीं लगता मैंने शायद ये भी डिटेंड है क्या हाँ ये भी नहीं अच्छा ये दोनों कनेक्टेड है फिर ये है नीचे जाने वाला रास्ता क्या हाँ ये नीचे जाने वाला रास्ता है ओके अभी जो नीचे जाने वाला रास्ता है वही वापस पकड़ना है शायद जो यहाँ पर है ही नहीं ये भी डेड एंड है शायद यहाँ से आया था मैं तो अब स्माइली लोकेशन स्माइली मतलब वापस ऊपर पहुँचा देता है मतलब वापस एंट्री नहीं यार ए ओपी टेबल विथ स्टोन्स क्या ही है कुछ तो गंदा आवाज आ रहा है क्या है खुला मेरे को भी नहीं मालूम ए डेड एंड है हैव यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग नहीं रे दिख रहा है इधर कैसा कुछ यही से आया क्या मैं मेरे को नहीं मालूम ऐसा आया मैंने पजल सॉल्व किया ठीक है सीधे जाना है स्माइली पे ही जाना है आई गेस स्माइलीज नहीं नहीं अरे हटना भाई स्माइली नहीं स्माइली नहीं ओके मैं स्माइली से आया बराबर मैंने इसे पत्थर रखा तो सामने वाला रास्ता ही खुला रहना चाहिए सामने वाला जाके आया था मैं नहीं गया था शायद ये अलग लोकेशन है आई कैन सेंस इट घुमा रहा है भाई ये माइली का एक्चुअल सिंबल ऐसा है ओके ये क्या मेरे को नहीं मालूम ये घूम के आया था ये नहीं है मतलब
ये आयरन हेलमेट क्या है? ये ऊपर जाता है, देखते क्या है। फिर पत्थर के उधर छोड़ दे रहा है क्या? हाँ ये नहीं है फिर, तो वापस इधर ऐसा ही है। यार ये इधर छोड़ रहा है, मतलब ये स्पाइडर वाला रास्ता ही है। पानी, यस यार क्लोज। मैं किधर जा रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम, फिर भी कीप ऑन डूइंग इट अंटिल वी अराइव एट सम लीड। पानी से घूम के पानी पे आ गया क्या मैं? ऐसा कुछ किया? क्या टाइम फोड़ू जगह है यार, हट। इस बार ग्लैडिएटर पे जाना लगता है ये। नहीं ग्लैडिएटर पे ऊपर ऊपर नहीं जाना मेरे को, और नीचे डीप। अरे हटना भाई, टमाटर खाना है तेरे को। शायद स्पाइडर से घूम के स्माइली पे जाना है, ये कुछ नया सिंबल है, इस पे जाना है। सेव हुआ। ये घूम फिर किधर ही आ रहा हूँ क्या मैं? ये नहीं कुछ फैल जा, ये हट रहे भाई। कुछ तो आवाज आया मुझे, मुझे क्यों लग रहा है मैं घूम फिर के इधर ही आ रहा हूं। साले कभी तो कुछ काम का किया कर। मिल गया कुछ तो रास्ता। यस यस, मुझे भी नहीं मालूम मैंने कैसे किया, ठीक है बट मैं कर दिया। Look, it's the golden knife. But how to get it? गोल्डन नाइफ के लिए मेरे ख्याल से कुछ तो पजल सॉल्व करना है। ब्रोकन लैंप। दिस लैंप इज नॉट ओल्ड, द ऑयल इज स्टिल फ्रेश, परहैप्स सर रॉडनी पास्ड बाय हियर। नो आई डू नॉट थिंक सो, रिमेंबर ही वेंट नो फर्दर देन द कैटाकम्ब अंडरनीथ द फ्रिजिडेरियम, द मर्डरर लेफ्ट दिस लैंप। ओके के मुझे सुन, आई नीड योर हेल्प। मुझे अभी वॉटसन का कंट्रोल दिया है भाई गेम पे। ये इसमें ही दिया, थर्ड केस में ही चालू किया लोग ने वॉटसन का एक्सेस देने। क्या करना है?
अच्छा ना जा, बंद नहीं होना चाहिए यार। नहीं 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 भाग दिया मैंने, मेरे को भी नहीं मालूम। ये पर्सपेक्टिव भी नहीं बता रहा है भाई, किधर है ये बंदा अभी। मेरे पास बाहर जाने का रास्ता यही है शायद। मेरे को ये दरवाजा खोलना है। ओके जाता हूँ गेट के पास। ये मेन डोर एक्टिवेट कर देता हूँ। The golden knife of Mithras, a long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. जहाँ तक मालूम है यहाँ से तीसरा लीवर जो था। वो थर्ड लीवर इधर का दरवाजा खोलेगा। तो यहाँ शायद है क्या, यहाँ का थर्ड लीवर। निकली वॉटसन का आगे का दरवाजा खुला भाई। नहीं पहले यही खोलना है शायद मेरे ख्याल से, फर्स्ट लीवर सेकंड लीवर देन थर्ड लीवर।
बट ये खोलने के लिए थर्ड लीवर के बाजू में कोई होना चाहिए ना, अभी तो है। क्या वियर्ड सीनरियो है भाई। तो मैं सिर्फ वॉटसन को भेजू क्या वापस? वॉटसन आ जा। ये फिर भी कैसे यही करते बैठो क्या दिन रात? अगर ये दरवाजे के बाजू में है वो वाले, अंदर भी एक है बराबर। जब ये तीसरा खोलूंगा वो खुल जाएगा लगता है। मेरे को लगा अंदर कुछ नहीं रहेगा, मैकेनिज्म एक ही बना जा पाएगा। ठीक है, मेरे आने के लिए रास्ता है क्या? ये क्या? Come on, we solve this. छोड़ दे लिया यार। फॉलो कर और क्या भाई? नाइस। एग्जिट मार दिया भाई, बीकर शीट क्यों लिखा है लोगों को नहीं समझ रहा। आई एम ऑलवेज वंडरिंग व्हाट्स ऑन योर माइंड। वो सीधा स्कॉटलैंड यार्ड जाना है। आइस नाइफ ही है डिलीवर का, पता नहीं उसे ऐसे ही फॉल्स लीड दे सकता है, बट आइस नहीं फी है। Locked. यहाँ फाइनल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। प्लीज एस्कॉर्ट दिस सस्पेक्ट फॉर इंटरोगेशन। Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? You get a lot of the ring, yeah? Digging dark secrets? Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Ye Frodo Baggins. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No. There is nothing to say. We are not the worthy ones.
But Sir Rodney believed that he was? He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped, but... It is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Please escort. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the baths' publicity. So yes, I changed my mind. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Point to bol raha banda, but... Kya bolu main?
ह्यूमिलिएट हुआ क्या वो नहीं बोलूँ, बट बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है कि मैं उनका सर्च रिसर्च करूँगा ये वो। एक गैरो मेरे को पिटकिन तो नहीं लग रहा है, अभी ब्लिंकन भी नहीं लग रहा है ज्यादा ये, बट गैरो लग रहा है क्योंकि वो ज्यादा ही कुछ हेलुसिनेट हो गया, रिंग डिस्ट्रॉय फ्रोडो बैगिन जैसा बात करने लग गया। एब्जॉल जाने दे बेचारा, पेशेंट है। Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, do not distress yourself. ये तो इंस्पेक्टर ने स्टार्टिंग में बोला था, प्लम्प वन इज द वन हु किल्ड करके। What is my environment then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest. And detoxification, I will take care of every detail. Garrow nahi tha. Garrow nahi tha. Ye Blinkon tha matlab. Close to Blinkon hi reh sakta hai. Come on. I'm not sure that I can be helpful at the moment. Blink on nahi de sakta hai, main wapas galti nahi kar sakta. Blink on humiliation. Gallows weakness. Yes. Blink on ice knife. Blink on hi hai, mere ko malum hai, mera pilot out hai. I'm rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You the consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that oh my knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the trend of justice. Kya dialogue mar diya bhai. Goodbye. Yes. Finally. Yes.
So finally, case solved ho gaya. Yes, yes. People who solved the case same way. Yes, 70% made the moral choice. Barabar tha. So milte hai next case pe, the Abbey Grange affair. The Abbey Grange affair. Until then, stay tuned. अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना.